हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं जा रहा हूँ प्रयागराज की तरफ और अभी मैं प्रयागराज से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर के आसपास मैं दूर हूँ। तो अगर आप कभी कानपुर से या दिल्ली से प्रयागराज आएंगे तो आपको इसी रास्ते से ही आना होगा। इस टाइम मेरे पास है, देखिए, हीरो वीडा। मैं अभी गया था किसी काम से और अब वापस जा रहा हूँ। तो बैटरी देखिए 53% बची हुई है, 54% बची हुई है। गाड़ी अगर मैं इको पे ही चलाता रहूँगा तो आराम से मैं पहुँच जाऊँगा, और अगर मैं स्पोर्ट्स मोड और राइड मोड लूँगा तो पहुँच जाऊँगा, लेकिन हो सकता है कुछ थोड़ा दिक्कत भी हो जाए। तो इस टाइम देखिए 4:28 हो चुके हैं और मौसम बढ़िया है। इस टाइम अक्टूबर मंथ चल रहा है तो 25 अक्टूबर फ्राइडे आ जाए, और गाड़ी ये 5800 किलोमीटर चल चुकी है। इसकी सर्विसिंग भी अब 6000 किलोमीटर पे ड्यू हो जाएगी, मतलब तो इसको थोड़ा चला के इसको सर्विस सेंटर पहुँचा देना चाहिए। ये मांगाओ एरिया है, एसपी मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ये महंगाओं से थोड़ा पहले पड़ता है और धीरे धीरे हम लोग महंगाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं महंगाओं की तरफ बढ़ रहा हूँ। इस टाइम मैं अकेला हूँ, जब जा रहा था साथ में और लोग भी थे। देहातों में देखिए सोलर पैनल लोग लगवा रहे, क्योंकि इधर तो ज़्यादा ज़रूरी है। सोलर पैनल लग जाने के बाद शायद आपको ग्रिड कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसी में से इलेक्ट्रिसिटी इतना मिल जाएगी कि आप अपनी समरसेबल बोरिंग कूलर एसी भी चला सकते हैं। और डिपेंड करता है कि छत पे कितनी जगह है और आपकी पॉकेट में कितनी कैपेसिटी है। मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई काम है उधर जाके करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत आराम से धीरे धीरे चल रहा हूँ, जैसे कहिए कि बढ़िया ताज़ी हवाओं को महसूस करते हुए चल रहा हूँ। अगर बहुत स्पीड में चलाऊँगा तो फिर दूसरे टेंशन में रहूँगा, कोई निकलना है इधर से, कोई उधर से निकल आए, अलर्ट रहना है। आराम से चल रहे हैं तो इस स्पीड पे गाड़ी भी, डिस्क ब्रेक है इसमें और एक ड्रम है, गाड़ी भी इजीली कंट्रोल हो जाती है। क्योंकि 4 लेन है और पीछे से प्लान चलता हुआ आ रहा है कानपुर की तरफ से 6 लेन का। तो जहाँ तक है इधर भी कुछ टाइम के बाद 6 लेन का काम हो सकता है स्टार्ट हो जाए। जो हमारे फ्रेंड हैं आगे महंगाओं के, उन्होंने बताया भी कि अब 6 लेन का प्लान है तो हमारा, हम लोग का इतना एरिया जाएगा। तो अभी तो फिलहाल टाइम है, लेकिन 6 लेन का प्लान तो ही है। बाकी रोड देखिए UP 82, UP 81, UP 78 रोड देखिए सीधा NH2 रोड है, तो उसमें लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ आपको बहुत दिखेंगी, जो कि जो लोग बाय रोड आगरा कानपुर न्यू दिल्ली ये सबसे आगे कैलकटा कोलकाता ये सब एरिया जाना चाहते हैं, यही रोड है। लेकिन जैसे UP 78 है, ये सब गाड़ियाँ लॉन्ग डिस्टेंस की हैं, कम से कम 200 जैसी आ रही है, 200 किलोमीटर इसका रन है। कभी एक दिखा है जिसमें 28 किलोमीटर प्रयागराज दिखा रहा है इलाहाबाद। ये महंगाव एरिया है और वहाँ से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, मैं क्रॉस कर रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा होता तो शायद चुपचाप बस रोड को देख रहा होता और चलता चला जाता, लेकिन
ऑन करने पे और उसमें बोलने से ये हो रहा है कि जैसे लग रहा हो कोई है साथ में, जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ कुछ सुन रहा है, और उसमें धीरे धीरे रास्ता भी कटता जा रहा है और मैं धीरे धीरे प्रयागराज इलाहाबाद की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये आ गया हम, देखिए महिला इंटर कॉलेज, बहुत पुराना कॉलेज है और एक टाइम ये था कि इधर आसपास के एरिया के ज़्यादातर लोग यहीं आते थे, महिला इंटर कॉलेज ही आते थे। एक चीज़ है, देखिए पहले मैंने वीडियो दिखाया था आपको हीरो वीडा की, तो हीरो वीडा में ये था कि इको पे जो स्पीड थी मैक्सिमम 45 जाती थी, लेकिन इस बार सर्विस में गई थी, प्लस इसमें ऑनलाइन भी जैसे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो उसका नेट एक्सेस ये कर ही लेता होगा, तो अपडेट हुआ है उसमें जो इसकी स्पीड है वो 47 तक भी दिखा देती है। अब इस टाइम जैसे 46 पे ही है, लेकिन शहर में सिटी में अक्सर ऐसा होता है कि मैं चला रहा होता हूँ अभी देखता हूँ 47, तो मुझे लगा शायद कंपनी ने स्पीड लिमिट बढ़ा दी है, 47 कर दिया है, लेकिन इस टाइम 46 है, तो इसका मतलब वही है स्पीड को लेकर कुछ अपडेट नहीं हुआ है। देखिए ये फुल स्पीड है और जैसे कि मेरे पास देखिए अभी मुझे अबाउट 35 किलोमीटर जाना है, बैटरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी को दौड़ाऊँ, मैं थोड़ा आराम से चलना भी चाहता हूँ। तो देखिए मैंने ऑन कर लिया है, ये देखिए यहाँ पर क्रूज़ आ गया है, ये मैंने क्रूज़ एक्टिवेट कर दिया, देखिए ये ग्रीन हो गया। देखिए मैंने हाथ को छोड़ दिया है, मतलब एक्सीलेटर से हटा दिया है, मैं आराम से धीरे धीरे चलता रहूँगा गाड़ी को है, मुझे एक्सीलरेशन पे ध्यान नहीं देना है, गाड़ी एक तो स्पीड मुझको प्रोवाइड करती रहेगी और मैं उस स्पीड में देखिए चल रहा हूँ। जबकि गाड़ियाँ देखिए बहुत तेज़ नहीं दौड़ रही, सब लोग स्मूथली है आराम से चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस टाइम होता ही है लोग अपने ऑफिस गए उसके बाद अब लौट रहे हैं, खास वैसे मिर्जापुर एरिया में, तो दिन भर की थकान वो सब होने के बाद फिर लोग भी रात में देखिए उस बल्कि जाने में स्पीड में रहते हैं, क्योंकि जल्दी पहुँचना है, टाइम पर पहुँचना है, लेकिन रिटर्न होने पे देखिए ये 44 एज है तो स्पीड है, तो मेरे ख्याल से वो 60, 65, 70 होगी, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं है। ये बहुत स्मूथली बहुत बढ़िया चल रही है हीरोवीटा, मतलब चार्जिंग अगर आपको मिलती रहे तो आप इस गाड़ी से काफ़ी घूम टहल सकते हैं। जैसे आज का मेरा रन इसमें हो गया ये 65 हो गया अप्रॉक्स, जब मैं घर पहुंच जाऊंगा ये मेरी रनिंग आज की 80 किलोमीटर हो जाएगी। गाड़ी देखिए कुछ देर से क्रूज पे ही चल रही है, ये ऑप्शन शायद आपको पेट्रोल बाइक या स्कूटी में कॉस्टली आप गाड़ी ले लीजिए, लेकिन आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा पेट्रोल गाड़ी में, टू व्हीलर में, लेकिन इसमें देखिए आपको एक जो कि कहिए कि कोई भी अगर आप इलेक्ट्रिक लेते हैं तो उसमें ज़्यादातर प्राइस सबका
1.5 लाख, 1 लाख 80 हज़ार, 1 लाख 60 हज़ार ऐसे है, लेकिन ये सिर्फ 94,000 फ्यूल टैक्स वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं है। ये आपको गाड़ी दे रही है जो कि हर मोड पे चल जाती है, एक चार्ज पे 100 किलोमीटर जाती है, और मैं कई बार इसको लेके गया हूँ दूर दूर भी, तो मुझे कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं आई है। और अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि इलेक्ट्रिक में बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको आप लोग ले सकते हैं, हीरो वीना को। जैसे ही मैंने ब्रेक किया और ये क्रूज ऑफ हो गया, क्रूज का मतलब ये है कि फिर आपको कुछ करना नहीं है, बस एक लेवल पे लगा के छोड़ दीजिए गाड़ी, अपने से चलती रहे। आपने जहाँ कुछ उसमें ज़्यादा छेड़खानी किया तो उसको हो जाएगा, जहाँ ब्रेक टच भी किया क्रूज हट जाएगा। मैंने क्रूज लगा दिया, सिंपल है, पहले ये वाला बटन प्रेस करिए तो क्रूज ऑन हो जाएगा, फिर जैसे ही सेट के बटन को प्रेस करते हैं तो क्रूज एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद गाड़ी, ये मान के चलिए आपकी गाड़ी 35 के ऊपर होनी चाहिए या 30 ऐसी कुछ है, तब उसको क्रूज एक्टिवेट होगा, और स्पीड आपकी रेगुलर बनी उस टाइम, बाकी जब आप छोड़ेंगे तो वहीं पे या उससे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर नीचे आके गाड़ी वहीं पे स्पीड को लॉक कर लेगी। उसके स्पीड बढ़ाने के लिए ये ऊपर जो पार्किंग बटन है इसमें देखिए प्लस बना हुआ, रेस प्लस, रेस माइनस, प्लस करते जाइएगा स्पीड बढ़ती जाएगी और माइनस करते जाइएगा स्पीड घटती जाएगी। शहीद कैप्टन विजय प्रताप सिंह स्मारक पीजी कॉलेज। बहुत अच्छा मौसम है, मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ठंड स्टार्ट हो गई या बहुत गर्म हो रहा हो मौसम, तो बढ़िया है, आराम से चल सकते हैं, और ख़ासकर जिस स्पीड पे मैं चल रहा हूँ उस स्पीड पे तो सचमुच में आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि रोड भी देखिए कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और आराम से चल सकते हैं। देखिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि रोड बहुत अच्छी है, ना गड्ढे हैं ना क्या क्या है, अब आराम से स्मूथली इस रोड पे चल सकते हैं। सीएनजी गैस उपलब्ध है, लेकिन आप ईवी पे हो तो आपको सीएनजी काम आएगी ना पेट्रोल काम आएगा, आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक काम आएगा। और इलेक्ट्रिक की खासियत ये है कि वो जहाँ पे पेट्रोल भी नहीं मिल सकता, सीएनजी भी नहीं मिल सकता, वहाँ आपको इलेक्ट्रिक ज़रूर मिल जाएगी। बस फर्क ये है कि अगर कमर्शियल है तो दिक्कत नहीं है, और अगर कोई ऐसा है तो फिर के ऊपर है कि आप कैसे उसको समझा लेते हैं कि वो आपसे कुछ पैसे चार्ज करके वो आपको कनेक्शन प्रोवाइड कर दे। Thank you.
हाँ